एक बार फिर कोरोना जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसार रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 1695 नए मामले सामने आए हैं। ताजा मामलों में से 812 जम्मू संभाग से और 833 कश्मीर से सामने आए। श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके के बस अड्डे में श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी के कमिश्नर ने दौरा किया और इस दौरान पिछले दिनों हुई बर्फबारी और बारिश के कारण हुए जल भराव की निकासी का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएमसी के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और वाहन पर मौजूद लोगों तथा ड्राइवर्स ने एसएमसी का शुक्रिया किया। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार योशी ने आज अनंतनाग का दौरा किया और स्थानीय लोगों, यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के साथ बातचीत की। उनके साथ चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे भी थे। बता दें कि सेना के कमांडर और चिनार कोर कमांडर ने ट्रेन द्वारा अनंतनाग से काजीकुंड तक की यात्रा की, जहां उनके सहयात्री वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके साथ यात्रा करते देख हैरान रह गए और साथ ही देश को बड़ा संदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों के हाथों में खेल रही है और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रही है। रैना ने कहा कि एक प्रतिष्ठित टीवी न्यूज चैनल ने 5 जनवरी को पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में लापरवाही पर एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बड़ा खुलासा किया है। इसके लिए कांग्रेस आलाकमान को जवाब देना होगा। कोविड की तीसरी लहर के बीच जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 50 से 60 हजार कोविड परीक्षण किए जा रहे हैं। इसमें 33% आरटीपीसीआर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके साथ संक्रमित खासतौर पर विदेशी यात्रियों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए दिल्ली एनसीडीसी में भेजे जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी से उपजे हालात में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। बुधवार को लेह के दूर दराज इलाकों में फंसे हुए कुल 18 लोगों को पवनहंस हेलीकॉप्टर से घरों तक पहुंचाया गया। बर्फबारी से सड़कें बंद हो जाने के बाद प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से फंसे 14 यात्रियों को लेह से लिंकशेड गांव तक पहुंचाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात में कोरोना के फैलने की रफ्तार काफी तेज है और इसलिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दो अच्छी खबरें भी आई। बताया गया कि ओमिक्रॉन से दुनिया में अभी तक सिर्फ 115 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि भारत में इससे सिर्फ एक ही व्यक्ति की जान गई है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच नीति आयोग ने इस वेरिएंट को हल्के में न लेने को कहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि ओमिक्रॉन कोई सामान्य जुकाम नहीं है, इसे हराना हमारी जिम्मेदारी है। वैक्सीन इस वेरिएंट से लड़ने में मददगार है। वैक्सीनेशन कोविड 19 की प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके साथ ही नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने भी कोविड रोधी वैक्सीन नहीं ली है वे वैक्सीन लगवा लें। पुडुचेरी में एमएसएमई मंत्रालय के प्रौद्योगिक केंद्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम मानते हैं कि बेटे और बेटियां समान हैं। महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 तक बढ़ाकर सरकार देश की बेटी को अपने लिए करियर बनाने और आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना चाहती है। भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है। इस टीके को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को निष्क्रिय कर देता है। कंपनी ने बूस्टर पर जारी शोध के शुरुआती नतीजे आने के बाद ये दावा किया है।